ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि भगवान की तरफ पीठ करके क्यों नहीं बैठना चाहिए, क्या वजह है। देखिए, भगवान की आराधना करते समय हम बहुत सी बातों का ध्यान रखते हैं, पूजा करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए हर नियम के पीछे कोई गहरी बात छुपी हुई है, बहुत सारे वैज्ञानिक कारण छुपे हुए हैं। इसलिए पूजा को पूरा फल प्राप्त करने के लिए हमें ऐसे नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा ही एक नियम है, मंदिर में या पूजा स्थल पर जहाँ भगवान की प्रतिमा स्थापित गई हो उस ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। चाहे आपके घर का मंदिर हो, चाहे वो मंदिर का मंदिर हो। कहते हैं कि ऐसी जगह पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पीठ भगवान की ओर नहीं हो, इसे शुभ नहीं माना जाता है। मंदिर में कई दैवीय शक्तियां का वास होता है और वहां सकारात्मक ऊर्जा हमेशा सक्रिय रहती है। यह शक्ति या ऊर्जा दिवाली में आने वाले हर व्यक्ति के लिए होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम वो शक्ति कितनी ग्रहण कर पाते हैं। तो इन सभी शक्तियों का केंद्र भगवान की प्रतिमा ही होती है, जहां से यह सभी सकारात्मक ऊर्जा संचारित होती है। यदि हम भगवान की प्रतिमा की ओर पीट करके बैठ जाते हैं तो यह शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हमारा मुख भी भगवान की ओर होना आवश्यक है। भगवान की ओर पीट करके नहीं बैठना चाहिए, इसका धार्मिक कारण भी है। ईश्वर को पीठ दिखाने का अर्थ है उनका निरादर करना। भगवान की ओर पीट करके बैठने से भगवान का अपमान माना जाता है। इसी वजह से ऋषि मुनि और विद्वानों द्वारा बताया गया है कि हमारा मुख भगवान के सामने होना चाहिए, पीठ नहीं। अब किसी कुछ लेने जा रहे हो, आप सीधी बात है, आप उसके फेस टू फेस देखोगे। ऐसे आप किसी में कुछ मांगने जा रहे हो, कुछ सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करते जा रहे हो, तो आप पीठ घुमा के बैठ जाओगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको हमेशा मंदिर में जब भी जाएं, चाहे वो घर का मंदिर हो, चाहे मंदिर का प्रतिमा हो, उसके सामने आपको फेस टू फेस ही बैठना है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।